माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं सांस्कृतिक संपत्ति को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास अमल में लाए गए। उत्तराखंड के पहाड़ों की विरासत अनमोल है और इसी अमूल्य विरासत को बढ़ावा देना देहरादून स्मार्ट सिटी का एक मुख्य मकसद था। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु रंगोत्सव नामक एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में हर साल दूसरे प्रदेशों एवं विदेश से खूब सारे सैलानी आते हैं। यहाँ की खूबसूरती को अनुभव करने का लोगों में खूब उत्साह रहता है। राजधानी देहरादून के प्रमुख क्षेत्र घंटाघर के आसपास रंगोत्सव कार्यक्रम के तहत क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो चुकी दीवारों को इसी उद्देश्य के तहत संवारा गया। प्रदेश के अनोखे इतिहास और इसकी सांस्कृतिक कला को इन्हीं दीवारों पर चित्रों एवं दूसरे कलात्मक तरीकों से उकेरा गया। इन दीवारों पर स्वच्छता बढ़ाने के संदेश के साथ साथ अपने बीते इतिहास एवं संस्कृति का अभूतपूर्व वर्णन भी है। रंगोत्सव में भाग लेने वाले अनेक कलाकारों को भी सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इन दीवारों पर उत्तराखंड की अनोखी संस्कृति का एक विविध वर्णन देखने को मिलता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली का जिक्र भी यहाँ देखने को मिलता है। विभिन्न वेशभूषाओं से लेकर राज्य की कुछ खास कलाकृतियाँ यहाँ उजागर हैं, जैसे कि उत्तराखंड की खास परंपरागत कला एपण। राज्य के वन्य जीवों का भी यहाँ एक अनोखा चित्रण है, जिसमें से एक खास जगह मोनाल की भी है, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। यहाँ राज्य के विभिन्न मंदिरों का भी वर्णन है। देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने वाले इस कदम का एक मुख्य उद्देश्य शहर एवं राज्य की युवा पीढ़ी को इन सब चीजों से अवगत कराना भी है।